चलते अभी खत्म नहीं हुआ, तब फिर एक टेंशन आ गया। बहुत तबीयत खराब है, झटका उठ है, दुपराया गिर उड़ गए, सब ये सब चोट लग के फूट उठ गया है। तो अब हम लोग सोच दोस्तों रहे आप हैं, लोग को वीडियो में दिखा नहीं सकते, लेकिन कभी अपने मर्जी से कहेंगे, कभी भी हाँ मान कभी लीजिए। बोलेंगे कि हम लोग। देख सकते हैं दोस्तों, भाभी आज कल कितना टेंशन में रहती। आप लोग प्यारा प्यारा सा कमेंट क्यों नहीं करते हो, भाभी जी आप टेंशन मत लीजिए, भैया जी को जाना था वो तो चले गए, बस आप लोग उनके लिए दुआ दीजिए, जब भैया जी जहाँ भी गए उनकी आत्मा की शांति मिल जाए। आत्मा दर दर भटके ना, इतनी टेंशन क्यों ले रही भाभी जी, इतनी टेंशन मत लीजिए, हम सबको भी टेंशन हो रही है, जिसको जाना था वो तो चला गया, अब टेंशन लेंगे उससे तो कुछ होगा नहीं, बस आप लोग जो उनका काम क्रिया होता है वो आप लोग उनका अच्छे ढंग से कीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से जानते हैं ना, टेंशन लेने से क्या होता है, अपने परिवार का ही नष्ट होते हैं, अपनी शारीरिक कष्ट होती है टेंशन लेने से, क्योंकि टेंशन तो होती है क्योंकि हम लोग उनके साथ रह रहे होते हैं, प्यार पा रहे होते हैं उनका, जब कोई भी लोग सामने से चला जाता है तो उनका दुख होता ही है। और एक बात तो है, लोग पैसा कितना भी कमा लेते हैं, पैसा आते जाते रहता है, पर मनुष्य एक बार जाने के बाद दोबारा कभी नहीं वापस आते हैं, पर क्या कीजिएगा, यही तो दुनिया की रीत है, जो जन्म लिया है आज नहीं तो कल जाना ही है हम सबको, बस आप लोग भैया जी के लिए दुआ दीजिए, उनकी आत्मा की शांति मिले। और आप लोग कमेंट में ओम शांति नमाए जरूर लिखिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।